श्यामनगर से सूर्यांश जी ने हमें 2 दिन पहले कॉल किया था एक पपी के बारे में। उन्होंने बताया कि इस छोटे से पपी को पूरे शरीर पे लूक चिपक गई है, वहाँ पर से उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इस वजह से हमने धर्मशाला के ही लोकल एक रेस्क्यूअर धीरज महाजन जी को उनकी मदद के लिए फ़ोन किया था। उन्होंने वहाँ जाके पपी को उस लूक से निकाल तो दिया, लेकिन जो लूक पूरे शरीर पर चिपकी थी वो बहुत जल्दी नहीं निकल पा रही थी। 2 दिन बाद फिर हमें कॉल आई कि इस पपी की कंडीशन ख़राब हो रही है, इसकी बॉडी में वुंड बन रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो गया है, बहुत ज़्यादा चीख रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे तुरंत यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। इस हफ्ते हमने एक और वायर ट्रैप केस सिद्धबाड़ी से रेस्क्यू किया है। इस डॉग को पकड़ने में हमें बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव डॉग है। जिन्होंने हमें कॉल किया उन्होंने अपने घर के बाहर वाले आंगन में बंद करके रखा था, लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो ये उन्हें देखते ही वहाँ से भाग गया। जब इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये पास वाले ही एक टूटे हुए काउशेड में जाकर छुप गया। तब हमारी टीम ने चारों साइड से घेर के इसे पकड़ लिया। ट्रीटमेंट के दौरान इसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ राजा जी ही कर पाते हैं क्योंकि ये डॉग बाकी और किसी को केज में आने अलाउ ही नहीं करता है। एक आपके जो डॉग है वो म्यूजिक सुन रहा होता है पार्टिकल, उससे मिल सकते हैं या वो म्यूजिक सुन रहा है अंदर? इतना हल्ला करता था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि इसके केज के सामने कोई आए। पहले ये हल्ला करता था, अब ये हल्ला सुनता है। इसको अच्छा लगता है म्यूजिक। अच्छा, पार्टिकल साहब अंदर है तो म्यूजिक का ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये तुम्हारा है? हाँ। कैसे हुआ? एक दिन दिनेश भैया शाम को म्यूजिक प्ले कर रहे थे एंड यूट्यूब पे इसको सुना रहे थे, पार्टिकल कान हिला रहा था। कोई सॉन्ग अगर इसे पसंद नहीं आया तो वो भौंक के बताता था, और जैसे ही म्यूजिक चेंज किया वापस से शांति से बैठ के कान हिलाना चालू कर देता था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे से मैंने म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट कर दी। इसके पास आता था, म्यूजिक प्ले करता था एंड वो एंजॉय करता था। तो इसको कौन सा म्यूजिक पसंद है और कौन सा नहीं? तो हिंदी म्यूजिक। हिंदी सुनता है? हाँ, हिंदी सुनता है। पुराना नया सब सुनता है, बट हिंदी होना चाहिए। देसी डॉग। देसी डॉग। पार्टिकल लेकिन शक्ल नहीं दिखा सकता नहीं, अभी वो अब आराम से बैठा है अंदर। यहाँ गर्मी भी बहुत है ना, अंदर ठंडा रहता तो अंदर बैठा हुआ। तो अभी म्यूजिक चला देंगे तो सुनने आता है क्या? ऐसा है कैसे? ये दिन भर भौंकता रहता था और लोगों को पसंद नहीं करता था, कोई भी आता था सामने। अभी कोई इशू नहीं, इसकी ट्रीटमेंट भी बड़े आराम से हो रही है, अभी सब कुछ ईजी है। अभी आया आया अरे आया आया सुनने। हमने एक गाय कुठमा से भी रेस्क्यू की है जिसका कल रात को एक्सीडेंट हुआ था। इसका पीछे वाला पैर है जो बुरी तरीके से टूट चुका है और वहाँ पर एक बहुत गहरा घाव भी बन गया है। फिलहाल तो वहाँ के कुछ लोकल डॉक्टर्स ने इसकी टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर दी है और एक स्प्लिंट लगा दिया है, और ब्लड रोकने के लिए उसको रिक्वायर्ड मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। अभी ये हमारे पास पहुंची है और इसकी डायग्नोसिस हम कल सुबह करेंगे क्योंकि आज के लिए इसकी पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी है और इसकी टेम्परेरी स्प्लिंटिंग भी वहाँ के डॉक्टर्स कर चुके हैं। अभी आपको पता है वो यहाँ पे इसलिए आई है कि कोई डेयरी वाले ने छोड़ा उसको, लेकिन डेयरी आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि स्वाद एडिक्टिव तो है। तो फिर आपको ऐसे अंदर गिल्टी फील होता है क्या? बुरा लगता है? लगता ही है, तभी थोड़ा ट्राई करते रहा। पर फिर जैसे ट्राई करते हुए फेल होते हो आप, फिर क्या? अरे जैसे कंफर्ट फूड के नाम पे फिर और पिज्जा खा लिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर गिल्ट से डील कैसे करते हो? जैसे आप समझो, जैसे मेरे कई चीज़ें जो है मेरे सिद्धांतों के अगेंस्ट हैं, पर फिर भी मैं वो कर लेता हूँ, पर मुझे बुरा ज़रूर लगता है। आपको बुरा लगता है? फिर जब इनफ बुरा लगेगा फिर हो जाओगे वीगन? हाँ, फिर हो जाओगे। मुझे लगता है हम अपने आप को सफरिंग से बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई हमें सफरिंग नहीं देखनी, हमें सफरिंग नहीं जाननी, मीट के पीछे क्या है, डेयरी के पीछे क्या है। तो मुझे लगता है ये जानना ज़रूरी है, वो बुरा महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हमें बुरा लगता है जो इंटरनल गेट होता है ना, वही एक फायर देता है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। हमने एक डॉग गगल से भी रेस्क्यू की है जिसके लिए हम पहले भी ट्रीट ऑन स्ट्रीट करने जाया करते थे, क्योंकि पहले इसके दूसरे कान में एक मैगेट वुंड था, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही इसे दूसरे वाले कान में भी मैगेट वुंड हो गया। इस बार उसको पकड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी और ये हमें मिलती नहीं थी रेगुलर बेसिस पे। इस वजह से डॉक्टर स्मृति जिसने इसके लिए हमें कॉल किया था उन्होंने इसको अपने घर में बंद कर लिया और हमने इसे वो यहाँ शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है। अभी डॉग यहाँ पर आ चुका है और उसका मैगेट पूरा साफ कर दिया है, उसकी एंटीबायोटिक
एंजाइटी और उसकी पेन किलर भी शुरू हो गई है और जो रेगुलर ड्रेसिंग है वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। आप मुझे वो तारकोल वाले पपी से भी मिलवा दोगे? पहले तारपीन ऑयल से हमने अच्छे से कई देर मसाज करके इसका जो थोड़ा लूज करने का कोशिश किया तार, उससे भी काफी हेल्प हुई। फिर थोड़ा कुनकुना पानी लेके इसको अच्छे से शैम्पू किया, थोड़ा देर शैम्पू से मसाज करके रखा, उससे भी काफी हेल्प हुई। उससे फिर ल्यूकवॉर्म वाटर यूज किया ताकि वो तारपीन का भी इफेक्ट हट जाए। गर्मी इतनी है ना, जलन हो रही थी इसे काफी। क्योंकि ऑलरेडी जब निकाला होगा पहले किसी ने तो इसकी स्किन निकली थी ना, फिर हमने इसको नहलवा भी दिया, फिर एलो लगा दिया शाम को ताकि थोड़ा सा सूदिंग, एलोवेरा और कोकोनट ऑयल तो थोड़ा सूदिंग इफेक्ट हो बोल के। बाय द वे एलोवेरा आपको लगाना है तो आपने एलोवेरा क्वार गंदल का बस पत्ता काटा और आप उसके गूदे को मल सकते हैं। आपको कोई महंगा वो खरीदने की जरूरत नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसी के गूदे को बहुत महंगा बेचते हैं। उसके बाद अभी फ्लूइड थेरेपी चल रही है, डॉग बेटर है पहले से और काफी हद तक इसका ये जो तार लगा था, लुक लगी थी वो निकल। मुझे एक चीज बताओ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि जैसे उनको ये तारपीन से ढका हुआ कोई एनिमल मिलता है तो वो क्या करेंगे ऐसे स्किन ना निकले? सर ये बहुत पेशेंस वाला काम होगा, फिर अगर बहुत ज़्यादा लगा है तो आपको इसको सेपरेट रखना होगा ताकि अगर आप नहला रहे हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप तारपीन लगा के छोड़ दोगे तो उसको आग लग सकती है पहली बात। तो ये स्लोली स्लोली करना होगा। जैसे हम भी पूरा समराइज करता हूँ, तारपीन का तेल लिया, उसको ऐसे रब किया, तारकोल निकल गया, उसके बाद गुनगुने पानी से नहला दिया। तारपीन का तेल लगा के नहीं छोड़ना क्योंकि फिर ये जल सकता है, पर जो इसकी स्किन जली ये वाली, ये तो छिल गई ना, ये जली नहीं है, ऐसे आग से नहीं जली, ये कैसे इन्होंने निकाला होगा ना? छिली कैसे, मतलब कि ज्यादा एक रफली, हाँ रफली, इसलिए मैंने बोला पेशेंस का काम है जी। इसका नाम रखा है कुछ? नहीं सर अभी तो नहीं रखा है। इसके लिए कोई अच्छा सा नाम प्लीज आप लोग सजेस्ट करिएगा। गेटर जिसके शरीर पे वॉट्स थे और उसको मैगेट वुंड भी था, हमने मैगेट वुंड की ट्रीटमेंट तो आते सारी शुरू कर दी थी, एंटीबायोटिक्स पेन किलर सब चल रहे थे, पर एक दिन अचानक वो बैठ गई। हमने उसको बहुत कोशिश की उठाने की पर वो नहीं उठ रही थी, फिर हमने उसको उठा के उसकी जगह पे रख दिया। उसको सप्लीमेंट्स भी शुरू कर दिए थे, अगले दिन हमने उसका ब्लड टेस्ट किया, उसमें उसको बहुत एनीमिक आई थी, हमने उसके लिए भी सप्लीमेंटेशन शुरू कर दी थी। अगले दो दिन वो बैठी रही, बिल्कुल भी नहीं उठी, उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई और उसकी इम्यूनिटी भी काफ़ी लो थी, जिसकी वजह से हम उसको नहीं बचा पाए। हमें अभी अभी टांडा से कॉल आया है, विवेक जी ने बताया कि एक डॉग का एक्सीडेंट हुआ है जिसको पीछे वाले पैर में काफ़ी चोट आई है और जो सामने वाला पैर है उसमें भी काफ़ी दर्द है उसे, और उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहा क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसे रोज़ खाना देते हैं, इसलिए उसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। अभी जब इसकी डायग्नोसिस हुई है तो हमें पता चला कि इसके जो पीछे वाले पैर है उसमें पंजे की तरफ उसको काफ़ी चोट आई है और जो सामने वाला पैर है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, जिसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम उसे पालमपुर भेजेंगे और वहाँ पर इसकी एक्सरे के बाद ही आगे का प्रोसीजर डिसाइड होगा। ये जो बच्चू है इसके ज्यादा चोट नहीं है? नहीं सर। तो आप इसको इसलिए ले आए क्योंकि ये क्यूट है? नहीं नहीं सर, जब हमें कॉल आती है ना लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ा के बात करते हैं हमसे कि हम बस कैसे भी ले ले बछड़े को। जब इसके लिए बात हुई थी तब उन्होंने बोला था कि ये नाली में गिरा हुआ था, ये उठ नहीं रहा है, खा नहीं रहा है और इसके पैर में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूस, लेकिन इसके पैर में बस एक जगह छिली हुई है। उन्होंने फ़ोटो भी इतने नज़दीक से भेजी थी बस पैर की, तो उस टाइम पर ब्लड तो था, लेकिन ये हमने उनको पहले भी सजेस्ट किया था कि आप हल्दी डाल दो आराम से ठीक हो जाए। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ कि भाई फोटो में बड़ा लग रहा था, आप लोग चले गए, आपको हाँ। 100 फोन कर रहे थे, आप गए, आपने तब देखा कि इसका वुंड ज्यादा नहीं है हाँ। तब आप इसको फिर वहाँ पे लाए क्यों? आप उनको सजेस्ट किया ना, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो कर सकते हैं ट्रीटमेंट। अब जब हम चले ही गए, इसका घाव पता है मुझे ठीक हो सकता है 5 दिन में और इसका जो कास्ट्रेशन है वो करके हम उसको वापस रिलीज कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए आप बहस करना जरूरी नहीं समझा उस टाइम। तो बेसिकली क्या है कि भाई ये लोग इसको ना लाते तो दिख रहा था कि गर्मियां हैं, इतने छोटे से वुंड पे मक्खियां बैठेंगी, मैगेट्स होंगे, फिर बड़ा वुंड होगा, फिर हम इसको लेके आएंगे, यही है ना। अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर 100 जो हमें फोन आ जाते हैं उसके बजाय लोग अगर एक जरा सा ऑइंटमेंट लगा दें तो बड़े सारे रेस्क्यूज जो हैं सड़क पे ही निपट जाएंगे। और गर्मियों में तो ये चीज़ें आप अपने पर्स में रख सकते हैं, तो अपनी गाड़ी में रख सकते हैं कि एक आपका कौन सा स्प्रे आता है, डीमैग स्प्रे, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप डीमैग डेली स्प्रे कर दें, उससे मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और वुंड इन्फेक्ट भी नहीं होगा और हील भी करता है ये। फिर रेस्क्यू पे जा रहे हैं, धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू। एक सेकंड गाड़ी बंद करोगे? सॉरी, स्प्रे और न्यूटर सर्जरी कैंप। ओके, तो हमारे कुल 47 और हमारे कौन कौन से यहाँ पे कोई डॉग? सर यहाँ पे मास्टर जी की न्यूटर हो चुकी है, नरगिस तबस्सुम का स्प्रे हो चुका है। नरगिस तबस्सुम से आपको बाद में लाएंगे, मास्टर जी वही हैं जो पिटबुल जिनका हमने
वीडियो किया था, उसकी आंखें एकदम बढ़िया चल रही हैं, पूरी तरीके से ठीक हो गया। उसके लिए ना हमें अजीब अजीब सी कॉल आ रही है, लोग अपने आप को एनिमल लवर बता रहे हैं और अडॉप्ट किए हुए डॉग बता रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे फोटोज मांग रही हूँ तो वो पिटबुल जीएसडी ब्रीड ही चाहिए अभी। बेसिकली हम नहीं चाहते कि ये किसी ऐसी जगह जाए कि भाई जो लोग ब्रीड डॉग खरीदना चाहते हैं, हम वो लोग चाहते हैं जिनको बस एक दोस्त चाहिए, उनको कोई ब्रीड से फर्क नहीं पड़ता। श्रीमान का जो था लेग में पिग ट्रैप था ना उसका लोहे वाला, तो वो रिलीज हुआ और उसकी जगह एक सर जी आए हैं जिसके पैर में वायर ट्रैप है। 3 महीने पहले से उसको वायर ट्रैप लगी हुई थी पैर में, बहुत अग्रेसिव डॉग है, शायद उन लोगों ने कोशिश की होगी, पकड़ में नहीं आया था। ये वायर ट्रैप सुअर पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। वो जो वायर ट्रैप फंसी हुई थी ना उसके ऊपर एक स्किन आ गई थी, मतलब हील हो गया था। हाँ, वो उसके ऊपर स्किन आ गई थी, वायर ट्रैप के ऊपर स्किन आ गई थी, एंड जो नॉट हमको दिख रही थी तब हमें पता चला कि हाँ भाई इसको ट्रैप है, हमने वो निकाली है, हमने उसको टिटनेस लगा दिया ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले, और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स तो चल रहे, लेकिन उसके पेट में भी एक वायर ट्रैप का निशान हमें नजर आया है। तो उसका वायर निकाली, अंदर एक सुरंग सी बनी रह गई। हाँ। तो वो हील कैसे होगी सर? हम लोग जो ऑइंटमेंट्स आती है ना, पेंडिस्ट्रिन ऑइंटमेंट भी आती है, पेंडिस्ट्रिन। हाँ। अच्छा, वो अच्छी हीलिंग के लिए यूज होती है, और ट्यूब ही ऐसी होती है कि अंदर जैसे अगर कोई पतली सी जगह हो वहाँ पर हम आराम से वो ऑइंटमेंट पहुँचा सकते हैं, तो वो हम लगाते रहेंगे, इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हमने टेटनेस लगा दिया है, और एंटीबायोटिक और पेन किलर तो चल ही रहे हैं उसके, तो इसकी हीलिंग क्विक हो जाएगी। बेस्ट ये है कि पैर नहीं काटना पड़ रहा इन ट्रैप्स में, पैर काटना पड़ता है। झोला जो कि हमारा इनपेशेंट डॉग है, उसको ओटाइटिस की दिक्कत हुई थी, जिसमें कि डॉग्स अपने सिर को टिल्टेड रखते हैं और शेक करते हैं बड़ा ज़्यादा सिर, और हमने जब उसके कान को देखा तो उसमें पस थी अंदर, तो हमने उसके कान को की डेली क्लीनिंग कर रहे हैं विद क्लेंजर और उसके ड्रॉप्स डाल रहे हैं, और अभी उसकी हालत में सुधार है। और एक आपकी जो रिलीज कैंडिडेट है जिसके बारे में हम खुश नहीं है, वो है नरगिस। वो रिट्रीवर क्रॉस है आई गेस, क्योंकि उसका बिहेवियर जैसा है ना, मोस्टली जो गोल्डन रिट्रीवर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा प्लेफुल एंड उसका बॉडी भी वैसे ही है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्यारी डॉग है। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही थी ना उसको ना छोड़ने का, क्योंकि जिस एरिया से हमने उसको पकड़ा था वहां पर एक ही घर है, अगर वो लोग फिर भी केयरिंग होते तो हमें कॉल करते इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में हमें पहले कोई कॉल नहीं आई है, हमारे ही स्टाफ मेंबर्स या मैंने खुद इसको देखा। हाँ जी, वो रोड पे है ना, धर्मशाला जाने के रास्ते पे एक जगह पे रहती है ये, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको वहाँ पे रिलीज करना चाहिए, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन उसको वापस आ सकता है वैसे एरिया में रहने से। स्किन केसेस तो वैसे भी, स्किन केसेस का क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड होता है, तो जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ये रीकर हो ही जाता है, और आप नरगिस को देखेंगे किस हालत में आया था, तो आई एम श्योर आप नहीं चाहेंगे उस हालत में वापस पहुँचे। नरगिस के लिए हम आपको एक यूनिक ऑफर दे सकते हैं, अगर आप नरगिस को अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ से जो देवी जो क्रुएलिटी केस थी उसको हम रिलीज़ करने के बजाय हम फार्म में अडॉप्ट कर लेंगे, तो आप एक अडॉप्ट करेंगे डॉग और दो का भला करेंगे। एक जो बैल आया था लोटा, जो सिर्फ मैगेट वुंड के लिए था, उसकी डेथ थोड़ी वो थी, वियर्ड थी जी। सर इस केस में ना हम सीबीसी तो यहाँ पर करते ही हैं हर एनिमल की, अगर सीबीसी होता है जो हमारा बेसिक ब्लड टेस्ट होता है जब कोई एनिमल आता है, तो वो तो हम करते ही हैं, उसमें उसके ब्लड लेवल्स डाउन आए थे लेकिन उतने भी कम नहीं थे कि इतना सीवियर इशू हो जाए। उसके बाद अभी क्या है, लास्ट के 2 डेज उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब लगी, हम सारा ट्रीटमेंट तो कर रहे थे लेकिन साथ में हमने LFT KFT जो लिवर फंक्शन टेस्ट और जो किडनी फंक्शन के लिए होता है वो हमने करवाया वहाँ, तब हमें पता चला कि इसका लिवर में इशू है काफ़ी ज़्यादा। हमारे यहाँ बड़े सारे डॉग्स भी सिमिलर कंडीशन में आ रहे हैं सर, अभी लास्ट के 1 मंथ में मेरे को कम से कम 5 से 6 केसेस लिवर डैमेज और किडनी डैमेज वाले मिले हैं, तो हमने यही डिसाइड किया है कि अब से हम जो भी केसेस आएगा उसमें LFT KFT पहले ही करवा लें, ताकि ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में हमें समझ में आ जाए अगर ऐसा कुछ हो तो। अब है क्या कि ये लोग सड़क पे कुछ भी खाते हैं, इनका कभी लिवर डैमेज होता है, कभी किडनी डैमेज होती है, वो मशीन हम यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल ट्रेन बंदा चाहिए, तो अगर दिन के हम 10-15 टेस्ट कर रहे होते तो समझ में आता, पर हमें तो हफ्ते में 5 या 10 टेस्ट हैं, तो अब यही है कि हम बाहर से हर बारी कराएंगे। एक जो गाय आई थी तो बहुत ज़्यादा पेन में थी, मुझे डॉक्टर हिमांशु बता रहे थे कि उसका जो टांग है वो बिल्कुल टूटी हुई थी, पर उसका फिर किसी ने स्प्लिंट क्यों किया? इस गाय का रात में एक्सीडेंट हुआ था पिछली रात, उसकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग हुई थी। अब इन्होंने हमें सुबह 9 बजे फ़ोन किया, हमारी गाड़ी निकल भी गई थी लेकिन तब तक वहाँ पर एक डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने उसका जो ब्लड कंटिन्यूस फ्लो हो रहा था उसके लिए एथम साइलेंट वगैरह लगाया और ब्लड रोकने के लिए प्रेशर बैंडेजिंग की थी और टेम्प्रेरी स्प्लिंटिंग ब्लीड नहीं दिया उन्होंने दिया था
टेक्साब्लीड वो इंजेक्शन होता है जिससे खून का प्रवाह ऐसे आप रोक सकते हैं इंजरी में। सब कुछ दिया था, पेन किलर्स भी दिए थे। जब वो यहाँ आई तो वो ब्लड रुका हुआ था ना, तो हमने उसका प्रेशर बैंडेज ओपन नहीं किया ताकि ब्लड फ्लो फिर से शुरू ना हो जाए। वो ऐसे तो दिन भर ठीक थी, उठी थी एक बार और बैठी भी थी, लेकिन जब शाम को हमारे सॉरी मैं आपको एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो अगर मान लो सड़क पे उन्होंने बुलाए, वेटनरी डिपार्टमेंट से कोई आया, उन्होंने प्रेशर बैंडेज करी, तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन क्या थी कि अब इस गाय को करें क्या, छोड़ दें? सर उन्होंने तो वैसे तो कुछ नहीं बोला था, बस सड़क पे गाय की पट्टी करके छोड़ दिया। जी सर। खैर जब आप यहाँ पे लाए फिर क्या हुआ? सर हमने बैंडेजिंग उसकी ओपन नहीं की थी, तो हमें उसकी एग्जैक्ट कंडीशन नहीं मालूम थी। अब हमें पहले ये था कि हम पहले एक्सरे वगैरह करा लेंगे, तो हमने उस दिन ओपन नहीं किया, लेकिन शाम को ही वो एक बार गिरी है, उसका स्प्लिंट था वो टूटा, और उसके बाद उसका जो बोन है जिसमें बहुत ज़्यादा डैमेज था, हमें ओपन होने के बाद समझ में आया। हमने उस टाइम पे भी उसको टेक्साब्लीड दिया, बैंडेजिंग की ठीक से, लेकिन उसमें कोई जुड़ने का चांस नहीं था, इतना बड़ा गैप था बीच में ना बोन के। उस टाइम पे हमने बैंडेजिंग करके उसको छोड़ दिया कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो भी रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से प्लान करके करेंगे, लेकिन शायद एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से रहा। पर मैंने तो देखा था कि उसका पैर एकदम मुड़ सा गया था। हाँ, पूरा टूटा हुआ था सर, पूरा टूटा हुआ था उसका पैर बुरी तरीके से। हाँ, ये पपी कल ही धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू से हमारे पास शिफ्ट हुआ है। ये जो धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू के मैनेजर हैं प्रतिभा, उनके घर के बाहर किसी ने छोड़ दिया था, उनको ये पपी अपने पास रखना पड़ा, लेकिन वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन कैंप चल रही है उनके पास जगह नहीं थी बिल्कुल, और अभी आइसोलेशन के लिए भी नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं वो पपी को आइसोलेट ही रखना होता है, क्योंकि अगर उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन है ताकि वो पता चल सके और दूसरे एनिमल्स को वो इन्फेक्शन ना फैले। कुछ ये मेरे रूम में फॉस्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास भी अभी कोई आइसोलेशन स्पेस नहीं बची है। अभी ये बिल्कुल हेल्दी है, इसकी चेकअप पूरी हो चुकी है और हम इसके लिए एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। हमारा एक जो वो यूटीआई वाला केस है, वो कितने हफ्ते से यहाँ पे है? 4 हफ्ते रखे हमने, 2 हफ्ते तो पहले स्पे का ही चल रहा था उसका हीलिंग, क्योंकि उसमें हमने स्टेपल्स यूज किए थे, उसके बाद उसको यूटीआई का इशू आ गया, लेकिन वो बहुत अच्छे से जल्दी रिकवर हो गई है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अभी वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और जो उसके केयर टेकर्स थे उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो जो उसके केयर टेकर थे वो उसको फॉस्टर नहीं कर सकते थे उसी 2 हफ्ते में? सर वो थे नहीं यहाँ पे, वो कर लेती हमेशा, क्योंकि वो पहले भी हमारे कई केसेस फॉस्टर करती हैं। तो जब हम किसी रेस्क्यू से लाके फॉस्टर करते हैं ना, तो एक तो रेस्क्यू में जगह बन जाती है कि भाई वो और रेस्क्यूज करते रह सकते हैं, और हमारा भी एक ट्रायल हो जाता है कि क्या हम नेक्स्ट स्टेप जो कि देसी डॉग का अडॉप्शन है, क्या उसके लिए रेडी हैं या नहीं। तो एक तो आपने 3 डॉग रिलीज कर दिए ना? 2 डॉग कर दिए हैं, एक करनी है मुझे अभी। कौन कौन? जामुन को मैंने रिलीज कर दिया। मैं तो दुखी नहीं हो सकता भाई, वो बहुत भौंकता है, वो एक तो 3 बार ही आ चुका है हमारे यहाँ। जी थोड़ा सा उसका रह गया था हल्का, लेकिन वो तो यहीं गांव में रहता है तो हम उसको ऑइंटमेंट लगा देंगे। वो क्या रेस्टलेस हो रहा था और वो कंटिन्यूअसली वहां से जंप करके भागने की कोशिश करता है ना। वो किसी ऐसी जगह अडॉप्ट हो सकता है भाई, किसी का अपना पूरा बड़ा फेंस, जंगल सा हो, फार्म हाउस हो, वहां पे वो खुश रहेगा। हाँ, और कोई और डॉग ना हो जहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो नहीं आने देगा किसी को। हाँ। दूसरा हमने रिलीज किया यूटीआई वाली थी हमारी फीमेल, और तीसरी तबस्सुम को हमको रिलीज करना है आज। तबस्सुम का मुझे बता दो। तबस्सुम को मस्टाइटिस का इशू था जब हम उसको लेकर आए थे। जो मस्टाइटिस होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो डॉग्स में बड़े अच्छे से प्रिवेंट की जा सकती है अगर हम समय रहते उनकी स्टरलाइजेशन सर्जरी करा दें। मेनली मस्टाइटिस तब शुरू होता है ना बॉडी में, अगर जैसे ये ओल्ड डॉग थी, ये प्रेग्नेंट हुई, इसने बच्चे दिए, इसके बच्चे सारे मर गए। अब वो जो दूध वहाँ पे इकट्ठा हुआ जा रहा था वो इन्फेक्शन क्रिएट कर गया अंदर, और उसके बाद वो मस्टाइटिस का इशू हुआ। तो एक और ये भी बात है कि भाई मोस्ट केसेस में मैंने देखा है कि पपीज जो हैं मर ही जाते हैं सड़कों पे। हाँ, ये इस केस में इतनी जल्दी मर गए कि वो बेचारी दूध भी उनको नहीं पिला पाई। ये कौन सा केस है सर? अभी इसमें 2 केसेस आए हैं, एक तो द्रमन से है एक बछड़ा जिसके पैर में मैगेट वुंड है, और शाहपुर से एक पपी है जिसका फ्रैक्चर है। इन 2 केसेस के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे, ये हमारा लास्ट डे होता है अपडेट का। तो आज तो आपको सिर्फ कल तक के अपडेट्स मिलेंगे, जिसमें 3 अपडेट्स ऐसे हैं जो खासे अच्छे नहीं हैं। हमारे यहाँ 3 डेथ्स हुई हैं, एक तो वो जो पपी आया था मेरे सामने ही जो बजरी खा रहा था। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन का केस था, जो 1 हफ्ते से बजरी खा रहा था डॉग वहाँ पे, और उन्होंने बताया अबैंडेंड था। उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराई थी वहाँ डॉक्टर से, लेकिन ट्रीटमेंट जो मैंने देखी वो कुछ खास थी नहीं उसमें, सिर्फ ऑस्टोपेट दिया हुआ था। ऑस्टोपेट? हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। हाँ, और कुछ उसको एक ऑस्टोपेट तो वाइटामिन
सिरप टाइप कैल्शियम सिरप होता है। हाँ, और कुछ एक अलग से कुछ सिरप दिया हुआ था जिसका कोई फायदा नहीं था। हमने उसको क्रेमाफिन दिया था ताकि पॉटी के थ्रू एटलीस्ट वो निकल पाए। उसके अलावा डाइजीन दिया था क्योंकि डिहाइड्रेटेड और काफी दिन से ऐसा लग रहा था धूप में पड़ा हुआ था ना। मेरे को एक बात जो अजीब लगी थी वो ये थी कि डॉक्टर हिमांशु ने जब इसको फील किया तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, पर वो कह रहे थे कि अंदर कुछ मोटा मोटा लग रहा है कि जैसे कुछ इन्फ्लेमेशन हो रखी है अब्रेसिव मटेरियल खाने की वजह से, पर जब इसका जो पूप था उसमें तो बजरी निकली थी सर। हाँ, तो हमने दिया था उस टाइम पे क्रेमाफिन, तब उसको जो लू पॉटी हुई उसमें बजरी निकल रही थी। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम दिया था क्योंकि उन लोगों ने बताया था कि ये खाना खा रहा है ना, लेकिन अगले मॉर्निंग उसकी एकदम अर्ली मॉर्निंग डेथ हो गई थी। तो इस केस में हमने ऑटोप्सी नहीं करी थी सर, क्योंकि कारण ऑब्वियस था कि वो इतने टाइम से अगर वो बजरी खा रहा है सिर्फ जैसा कि वहाँ लोग बता रहे थे तो ये पॉसिबल था। स्प्रिंग समर हमारा बिजी सीजन होता है, पिछले सीजन का प्याज लहसुन हम सब निकाल चुके हैं, गाय के लिए घास काट चुके हैं, अब इस समय बाजरा लग रहा है, हम गोबर के गमले बना रहे हैं ताकि मानसून के लिए पेड़ तैयार कर सकें। ये हमारा चिकन एरिया है, भाई साहब को यहाँ होना तो नहीं चाहिए पर भाई साहब यहाँ पे आ गए हैं। भाई साहब बेटी जी के होने वाले बच्चे के पापा हैं। तो चिकन के अपार्टमेंट्स तो हम आपको पहले ही दिखा चुके थे, ये चिकन्स का हमारा प्लेग्राउंड है, पर चिकन्स हमेशा जो हैं हमारे अमर अकबर एंथनी काव एरिया में पाए जाते हैं। इनके यहाँ होने का बड़ा फ़ायदा है, एक तो ये जो टिक्स हैं गाय के वो खा जाते हैं, गोबर में कीड़े नहीं पड़ने देते और गोबर की हमारी अच्छी बिना कीड़ों की खाद तैयार हो जाती है। मैं खैर आपको चरण दास से मिलवाता हूँ, चरण दास का जो इन्फेक्शन है उसमें पस पड़ गई है और चरण दास के बहाने से ही मैं आपको और रेजिडेंट से भी मिलवाता हूँ। ओह चार्ली तो आपसे खुद ही मिलने आ गया है। ये जो सारा झुंड है इसका जो गैंग लीडर है वो भोला बना हुआ है इस समय। ये मेरी फेवरेट गाय टोफू, ये टोफू का बेस्ट फ्रेंड सरगम, ये वूली है जो हमारे यहाँ सेकंड बॉर्न काफ था, इसके साथ किंग है, पीछे किलर बुल नैनो, और हमारे यहाँ पीछे ये है मोरिंगा। ये रहे चरणदास जिससे मिलने आए हैं। गुरु थोड़ा सा इधर आओगे तो इसकी पट्टी तुम्हें दिख जाएगी। चरणदास की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है चाचू से। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब लोग मुझे इन सब के बीच देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा शुरू करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका ये सब करने का एक सपना हो, और या तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुका है या उसका इतना सामर्थ्य है कि वो ये सब करते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है। फिर अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो एक या दो फ्रेंड और फैमिली भी उसके साथ उसका सपना साकार करने में जुट जाएंगे। फिर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनका सपना तो आपके सपने से मेल खाता है लेकिन उनको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पैसा चाहिए और इसीलिए आपकी संस्था को फंड रेजिंग करनी पड़ती है। और अंत में आपको कुछ ऐसे लोग जोड़ने पड़ते हैं जिनके स्किल की आपको ज़रूरत है। अब इन लोगों को आपके सपने से कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है तो सिर्फ अपने मतलब से, लेकिन आपको हर तरह के लोग चाहिए अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। आपको देखना सिर्फ ये है कि जो आखिरी तरह वाले लोग हैं ना इनको कम से कम रखें, नहीं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सोल है वो लूज़ हो जाएगी, जो वैल्यूज़ हैं आप उनसे दूर हो जाएंगे।